धर्म चक्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। धर्म चक्र में आज जानेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत व गीता जयंती की महिमा के बारे में, और इतना ही नहीं, साथ ही जानेंगे 10 खास मूर्तियां जिसके मात्र दर्शन करने या पूजा करने से सभी मनोकामनाएं हो जाती हैं पूरी, और अंत में दर्शन कराएंगे एक ऐसे मंदिर की जहां महाभारत के युद्ध से पूर्व पांडवों ने आराधना करके विजय की कामना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म चक्र। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सारे देश में गीता जयंती मनाई जाती है। आज भी गीता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी द्वापर युग में थी। इसी दिन मोक्षदा एकादशी व्रत भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के दर्शन से मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी व्रत व गीता जयंती की महिमा के बारे में जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी के पास। मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या है मोक्षदा एकादशी व्रत के महात्म और क्या है इस व्रत की विधि, और इसी तिथि पर गीता जयंती पड़ती है, किस प्रकार से मनाना चाहिए गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी को। श्रीमद् भागवत गीता विश्व का एकमात्र ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसका जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसके अलावा अन्य जितने भी ग्रंथ हैं वह किसी मनुष्य द्वारा लिखे या फिर उनके मंत्र संकलित किए गए हैं, जबकि गीता का जन्म स्वयं भगवान कृष्ण के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र की रणस्थली में कर्म से विमुख हुए अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने हेतु मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ था। गीता जो है ये एक सार्वभौम ग्रंथ है, यह किसी देश, काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए रची गई है। इसे स्वयं श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त मान करके कहा है, इसलिए इस ग्रंथ में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच शब्द नहीं आया है, बल्कि श्री भगवान उवाच का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार गाय के दूध को बछड़े के बाद सभी धर्म और संप्रदाय के लोग पान करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, उससे पुष्टि संतुष्टि प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार यह गीता का जो ग्रंथ है यह भी सबके लिए जीवन पाथेय स्वरूप है। सभी उपनिषदों का सार ही गो स्वरूप गीता माता है। इसे दुहने वाले गोपाल श्री कृष्ण है। अर्जुन रूपी बछड़े के पीने से निकलने वाला महान अमृत सदृश दूध ही गीता अमृत है। यह एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से भी विख्यात है। गीता संजीवनी विद्या है। गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, अमर है, असीम शक्ति का भंडार है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान मैं नहीं लड़ूंगा, अपने बंधु बांधवों तथा गुरुओं का संहार करके राजसुख भोजन की मेरी इच्छा अब नहीं है। यही अर्जुन कुछ क्षण पूर्व कौरवों की सारी सेना को धराशायी करने के लिए संकल्प कर चुका था, परिस्थितिवश कर्म से विमुख हो गया। कर्तव्य से विमुख अर्जुन को जो उपदेश दिया गया वही गीता है। गीता की गणना विश्व के महान ग्रंथों में की जाती है। श्री शंकराचार्य से लेकर के विनोबा भावे तक के महान साधकों ने गीता के महत्व को स्वीकारा है। श्री लोकमान्य तिलक ने गीता से कर्मयोग लिया। इसी गीता के आधार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग का प्रतिपादन किया। गीता के महत्व का प्रतिपादन करते हुए महात्मा गांधी जी ने लिखा है, जब मैं किसी विषय पर विचार करने में असमर्थ हो जाता हूँ तो गीता से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार गीता अमृत है। इस अमृत का पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। गीता का आरंभ धर्म से तथा अंत कर्म से होता है। गीता मनुष्य को प्रेरणा देती है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है इसी का बोध करवाना गीता का लक्ष्य है। इसी आधार पर अर्जुन ने स्वीकारा था, भगवान मेरा मोह क्षय हो गया है, अज्ञान से मैं ज्ञान में प्रवेश पा गया हूँ, आपके आदेश का पालना करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक हो चला था। गीता के कुल श्लोकों की संख्या 700 है। भगवत गीता में भक्ति तथा कर्म योग का सुंदर समन्वय मिलता है। इसमें ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।
ज्ञान की प्राप्ति पर ही मनुष्य की शंकाओं का वास्तविक समाधान होता है, इसलिए गीता सर्वशास्त्रमय है। योगीराज श्री कृष्ण का मनुष्य मात्र को उपदेश है कि कर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना ही है, फल की आशा फल की चिंता मत करो, फल को दृष्टि में रख करके भी कर्म कभी भी मत करो, कर्म करो पर निष्काम भाव से कर्म करो, फल इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति विफल होकर के दुखी होता है, अस्तु लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहना ही अच्छा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा तेषण दोस्तव कर्माणि। इस प्रकार गीता सर्वभूते हिते रतः बनने के तथ्य को उजागर करती है। इसी दिन गीता श्री कृष्ण व्यास जी आदि का विधि पूर्वक पूजन करके गीता जयंती का समारोह मनाना चाहिए, गीता पाठ तथा गीता का प्रवचन व्याख्यान आदि का आयोजन करना चाहिए। अब बारी आ जाती है कि इस दिन एकादशी भी पड़ती है, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से हम जानते हैं। किस प्रकार मनानी चाहिए मोक्षदा एकादशी, आइए मैं आपको बताता हूँ। इस दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों से निर्वृत्त होकर के प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करके पूरे घर में पवित्र जल का छिड़काव करें तथा अपने आवास तथा आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाएं। तत्पश्चात पूजन की सामग्री एकत्रित करें, तैयार करें, पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए। तुलसी की मंजरी, तुलसी के पौधों पर पत्तियों के साथ लगने वाला जो पुष्प होता है वो लंबी सी डंडी में लगता है, उसे मंजरी कहते हैं। सुगंधित पदार्थों विशेष रूप से पूजन सामग्री में इसको आपको रखना चाहिए। गणेश जी, श्री कृष्ण और वेद व्यास जी की मूर्ति या तस्वीर अपने समक्ष रखें, गीता की एक छोटी प्रति भी अपने साथ रखें। इस दिन पूजा में तुलसी की मंजरियां भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने का विशेष महत्व है। रात्रि में गीता पाठ करते हुए या गीता प्रवचन सुनते हुए जागरण करने का भी काफी महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। पूजा पाठ करके व्रत कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए और व्रत कथा सुन लेने के पश्चात आरती करें और प्रसाद बांटें। इस प्रकार से आप मोक्षदा एकादशी का पर्व मना सकते हैं। इस पर्व को मनाने से भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, गीता के अनुसार व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन शुभ हो, गीता के दिए हुए उपदेशों पर हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 10 खास मूर्तियां जिसके मात्र दर्शन करने से बैड लक गुड लक में बदल जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। धर्म चक्र।